इवन तारे में चलना वाली ले रहे ओ ऐसे कौन करता है, भेजती है यार। कि तुम तमिल हो तो तुम्हें नहीं लेके जा रहे भाई, ये तमिलनाडु में ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए हैं माँ वीरन के इंट्रो सीन का रिएक्शन। सो माँ वीरन जो है वो भी हमारे बहुत रिकमेंडेड थी, लाइक लोगों ने बहुत लिखा यार, क्योंकि माँ वीरन को जबकि आया थोड़ा टाइम हो गया है OTT प्लेटफॉर्म पे, और तब हमने इसको मिस कर दिया था, लेकिन काफी लोगों ने लिखा कि लाइक जीलर के बाद को ये भी करनी चाहिए, तो हमने सोचा क्यों नहीं ये भी कर लेते हैं। और माँ वीरन जो है वो शिवा कार्तिकेयन जी की है, उनकी हमने पहले भी डॉन और कमाल की मूवीज देखी है। वो कैसे एक्टर है कि लाइक जैसे हमारे यहाँ पे राजकुमार राव है, हाँ। और सब जैसे आयुष्मान खुराना है, सो लाइक कैसे कि लाइक वो तलपति विजय और रजनीकांत सर जितने बड़े एक्टर नहीं है तमिल इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी जब भी मूवीज आती है ना वो हमेशा अच्छा करती अच्छा, करती है। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगे, लाइक फैमिली की चीज के या किसी ना किसी चीज के। अब ये पता नहीं किस राउंड है, थोड़ा शायद थोड़ा सुपरस्टार टाइप लग रहा है, वैसे सुपरस्टार या तो फिर कह सकते हैं सुपर हीरो टाइप लग रहा है, पर वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, उसको इतना फन बनाते हैं ना, इतनी मतलब एक बैठ के बस 2 घंटा एंजॉय करने वाली मूवी बनाते हैं। सो देखेंगे ये कैसा कॉन्सेप्ट होगा, तो फिर देख लेते हैं, आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वीर में जयम मंदिरवादी मंदिरத்தை சொல்லிக் கொண்டே செங்கோலை சுழற்றினார் கதீம் கபலா ராசல் டாசல் இடிந்து விழத் தொடங்கியது காப்பாற்றுங்கள் அரசரும் மக்களும் மந்திரவாதியை கண்டு அஞ்சி நின்றனர் வீரன் களத்தில் குதித்தான் the warrior இளவரசியை காப்பாற்ற இடியும் மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் princess ஐ சுவற்றை பிடித்து இளவரசியின் அறைக்குள் நுழைந்தான் இளவரசி கலக்கம் வேண்டாம் நான் இருக்கிறேன் என்னை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் வீரன் தொங்கும் திரைச்சீலைகளை ஒன்றாக கட்டினான் வீரன் இளவரசியுடன் குதித்தான் மந்திரவாதி தன் செங்கோலை உயர்த்தி மந்திரத்தை உச்சரித்தான் கதீம் கமலா ராசல் மேஜிஷியன் கோ கே ஹோ கயா ரங்க் வலுவாக மாறினான் ஓ ஓ ये कैसे फाइट करेगा उनको வீரன் ஒரு கல்லை தட்டிவிட ஒரு தூண் மந்திரவாதியின் காலை இடறி விட்டது ஓ மக்களை காக்க ஒரு மாபெரும் யுத்தத்திற்கு வீரன் தயாரானான் ஓ மந்திரவாதியின் அடியை வீரன் தன் வலது கையால் தடுத்தான் அவன் தொடையில் கால் வைத்து மிதித்து கையால் மந்திர கோலை உடைத்தான் ஓ மேஜிக் வாண்ட் தோட் தியா உதைக்க சுருண்டு விழுந்தான் மந்திரவாதி வா யார் யார் நீ த கவுன் த வா वो ही कार्टूनिस्ट है महावीरन कितना सटल इंट्रो नहीं हीरो का वाह कार्टूनिस्ट यमने तवर सेदालुम तट्टी केट पेन टीचर तोड़ नहीं पाया केट रहा ना ये मुझे क्या ना केट रहा ना क्या करे ताश के करा ना ताश और गुड़ करता नहीं ले पति ले पैर आये तो अच्छी थे अलग दिया थे ஊட்டு நாளைக்கு தண்ணி எடுத்துனா குடத்துக்கு 10 ரூபா வாசி பாதி என்ன அக்கா நீ எந்தல இருந்து ஒரு குடி சுமாரடி என்ன கத்தினுது நானும் அதான் பாத்து நிக்கிறேன் ஒரு அரை விட்டோமா தண்ணிய பூச்சமா இல்லாம சும்மா கத்தினு கேசி பேனு அரி மார்க் இல்லையோ வட்டம் இன்னைக்கு பகுதி பதியா பேட்டு எடுத்துறேன் சத்யா டேய் சத்யா ஆக்டிங் கே நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயந்துதான் உனக்கு கட்சிக்காரன்ட்டு போய் சண்டை வலிச்சு நிக்கிற கட்சிக்காரனா என்ன கொம்பா முடிச்சு இது வழிவிடுறமா ஒரு நாள் நினைக்கலாம் நெடிஞ்சு விழுந்துரும் கஷ்டப்பட்டு கட்டுறவ எனக்கு தான் தெரியும் நான் தண்ணி எடுப்பேன் எவன் கேட்கறான்னு பாக்குறேன் மாமா இருமா உனக்கு இப்ப தண்ணி தானே வேணும் அப்ப ஏ கேசி லாயங்க இது மட்டும் எங்க எடுத்துன்னு வருவாரா வைகையில இருந்து வைகை लाइक ये भी एक रियलिटी है नहीं कि आपको पानी लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ये दूर के एरिया से जाके लेके आएंगे ले आए ये देख भाई तवला बचना पड़ने कर एडजस्ट पनी वाड़ा करते का ये मम्मी बोलती है ना बच्चों को हां खुशी अंधेरा सी मुझे नल्ला वेला आदि बदला नहीं है मुझे आज
இளவரசி एक हम्बल लाइफ लुक एट द टू लाइफ्स एक्चुअली ये वो हर जगह की रियलिटी है मुंबई में भी सेम आपको मिल जाएगा योगी बाबू प्लम्बर आ रहा है क्या मैं हूँ हाँ तो आ पेंटर कौन है मैं हूँ तो आ जा तू क्यों भी नहीं कर रहा वो सब कुछ है जॉनी सिंह अच्छा ये वो लेबर वर्क के लिए किसी को चाहिए हाँ तमिल वाले यार क्या ले ये वाला तारों में चलना वाली ले रहे ओह ऐसे कौन करता है गर्भ भेजती है यार कि तुम तमिल तो मैं नहीं लेके जा रहे ओ भाई ये तमिलनाडु में ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो तुम अप्रूव्ड सॉरी सर पढ़कर दोस्त लग तेरिया में इर वाले ओह ओके सो ये एक बड़े कार्टूनिस्ट को सप्लाई करते हैं और ये बड़ा कार्टूनिस्ट इनको 100-500 रुपए देता होगा सर मैं हल्के से मैं पेश रहने सुनी नहीं है पेश इंद्रा नगर है इधर ये वो रिपायल बड़ी कर दिल्ले அந்த இடத்துல விளம்பரம் போலன்னு பேசி நிற்கிறாங்க இதில் புதுசாக வேலைக்கிறதுனா சும்மாவா சொல்கிறேன் और वो अपने नाम पे बेचता है बहुत गलत है ये चीज एक्सप्लॉयटेशन है भाई ये तो रियल टैलेंट तो मार खा रहा है रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ओए लोग रीड कर रहे हैं उनके कार्टून्स There's a girl. हटे. तो यार. यार, कंडक्टर जी. देखने दो. Oh. बोल भी सकते मैंने लिखा है. नाम किसी और का है. वंडी रिपेयर है इनको पता है नाम किसी और का है. हाँ, उनके सामने तो चेंज करते हैं शायद. नहीं, ऑफिस में जाके किया. अच्छा. के कार्टून के ऊपर इधर ले ले लिया सर सर को प्रेस ये देखो मैं पेपर पढ़ने गया ये ना ये कॉमिक्स ले ले दिया गया अब ना कास कुर्तो वाले पेपर ये ना वाला पढ़ रहा उंगली क्या ना उंगली के दोनों पेपर अन्ना इधर वाले इधर ये वाला कष्ट दे रही माँ फर्स्ट इंटरेस्टिंग है कादर पुड़ी नो स्ट्रिप्स वाले उन्हें कानक पन्नी पैनल पे चिल्ले है पोटे डायलॉग है दिए आधी को बबल स्पेसिंग पन्नी आधा पेंसिल स्केच पन्नी आधा इंक पन्नो आधी को मेला ब्रश सही बात है यार उर स्ट्रिप वाले ये वाला नया राउंड तेरी माँ उंगल के ये तो नींग ऑरेंज मारे सर्च करेंगे नाली वाले पर कदर नहीं चलते माँ नजमा भी नींग ऑरेंज था ये ना इन द कदर उंगल किटे सुने नहीं आते सुली डालेंगे நீங்க தான் சுப்ரமணியா? நோ. பேப்பர்ல போட்டுருக்கே. ஆமா. உங்களுக்கு பதா எங்க நாம நீங்க? ம் பதா. ஒரு நிமிஷம். ஓ வாவ். என்ன பியூட்டிフル டெம்பிள் यार. மா! காவ. காவ. இப்படி திடீர்னு வந்து காலி பண்ண சொன்னா எங்க போவோம்? घर खाली करने को कह दिया किसके सबके हाँ इनको दूसरे घर मिल रहे हैं और ये घर तोड़ रहे होंगे जगह नहीं बट ये भाई पलट जाता है ये लोग अटैच बाथरूम ना कुछ कड़िया जिल जिल नीमिया तुंगू சுத்தினி ஏதாவது உன் பேர்ல 450 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல உன் பேர்ல ஊடு கடைக்கு போதுனா சும்மாவா உனக்கு இல்லனால உன் பொண்ணுக்கு தேவைப்படல யோசி பாரு ஏ பந்தா இத்தனா கியூ கன்வின்ஸ் கர் ரஹா ஹை அப்பா அப்பா பேர் என்ன தெரியுமா ஏ கே லிக்கா இன்னே அச்சா கி ஹம் லோக் மான்தே ஹை ஹா ஹம் மான்தே கி ஹமே ஏ கர் சோட்னா ஹம் யா
मेरे को कुछ गलत ऐसे वाइब आ रही है, कुछ गलत होने वाला है। सेम எல்லாம் கிளம்பி நிக்குது உனக்கு மட்டும் தான் எத்தனை வருஷம் புரிய மாட்டேது அப்பார்ட்மெண்ட் கணக்கா ஊடு காத்து நிக்குது டோக்கன் வாங்கி போறத விட்டு இந்த கூணத்துல தான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிச்சிருக்கிறேன் நான் ஏன் வாங்கணும் இது ஏன் ஊடு ஏன் நிலம் ஸ்லேட் எடுத்து கிளம்பு வாங்காத எழுங்க வாங்க சார் இதுக்கெல்லாம் பட்டாதான் புரியும் पर फिर ऐसे गवर्नमेंट फोर्स करेगी तो निकाल देंगे फिर, और इन लोगों की कोई सुनता भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ओले, यही करते हैं, पानी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। हाँ, नो नीड टू फाइट। तो इसे अपना घर ही मान रहा है। उड़ उम्र लगा रहे हैं मम्मा सोले जी। शायद इसके पापा हैं। हाँ, सही सही मिले, स्लेट दे बुड़ी। इड़ पा। कलम पे कलम पे। हाँ, कलम पे इन्ना बात दिल गया कलम पे। पो पो पो। कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कह रहे हैं ना गवर्नमेंट इनको 1 BHK फ्लैश दे रही है। दिखाओ घर दिखाओ पहले। वही, उससे डिपेंड करेगा बहुत। बिकॉज ये सब जो फ्लैट होते हैं ये बहुत लॉटरी से देते हैं, ऐसा कुछ करके देते हैं, बहुत परेशान। थोड़ी गवर्नमेंट भी यार ऐसे ही थोड़ी दे देगी यार। हर चीज का प्राइस होता है। एक ही बार में टूट गए, कितने बेचारों के कच्चे घर होंगे ना ये। नहीं पर ये तो वो है ना यार, जेसीबी टाइप है, तोड़ देती है मार मार। हाँ, पूरी बस्ती उड़ा के रख दी है। और कहाँ जा रहे हैं? अरे दिखाओ। नाइस, ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी है। ओ सोसाइटी है यार। प्रॉपर सोसाइटी विद कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग, बढ़िया है। नाइस, ये बहुत अच्छा है। दिस इज गुड। बी ब्लॉक का पता है तुम्हारी वीट नंबर 109 10th फ्लोर। पता है तुम्हारी यार? यार ये रह रंगे रहते हैं। मैं लिफ्ट है तुम्हारा। हाँ। बाड़ी के टले यारी पुआन ना। दबा। व्यू कितना अच्छा आएगा 10th फ्लोर। मस्त आएगा, हमको तो ऊपर ही अच्छा लगता है। हाँ। दबा, दबा नहीं के बाद। मा� नाइस बिल्डिंग है। इंटीरियर देखो तो असल क्या है। 10वें माले पे 193 नंबर क्यों है? मेरे को समझ नहीं आया, है ना? सामने 188 है। हां, वो एक एक फ्लोर पे 5-10 फ्लैट्स होंगे। ओ नाइस ना, ये वही ना तो गवर्नमेंट। ओ सी व्यू वाले भी है प्रॉपर। नाइस हाउस। ஏ? உள்ள யாரா இருக்காங்க? என்னது? எங்கடி? உள்ள. अंदर कौन था बे? कौन? पूछो तो सही। क्या है ये? यार मेरे को डर लग रहा है यार। ओए। क्या है ये? यार अबे तेरे लिए माँ
ஏதோ அர்ஜென்ட்டா வந்திருக்கும் போல இருக்கு. அர்ஜென்ட் நான் ஊட்ல போக வேண்டியதானே. நீ உள்ள வாமா. அந்த ஊடு எப்படி இருக்குன்னு பாரு. पड़ोसी इतने बेकार. ना मूड था सुमार रिलैक्सेशन के लिए उठ कर बारह मार्टन आराम बुच्ची है पैलेस मार की था मूड कोई तेरे बड़ा ने खास मांगना है ले ये पता कोई नहीं लिए मांगना का स्टेप कर रहा है कोई नहीं ना इनमें इंद्र मूड था ना मुझे कोई ले बार ये लाने काम कर दिया बहुत एक रोलर कोस्टर राइड था इंट्रो सीन. आपको पता नहीं चला था ये क्या हो रहा है कैसा हो रहा है. खुशी भी हो रही थी एक बार के लिए जब उनका नया घर देखा, पर अभी थोड़े डाउट्स भी हो रहे हैं बिकॉज काफी सारे इश्यूज लग रहे हैं कि पड़ोसी एक तो ऐसे मिल गए हैं, फिर तुम्हारे घर में कोई ऐसे घुस के बाथरूम यूज कर रहा है, फिर और वो तो भाई वो तो नजरों से बॉडी लैंग्वेज से चीजें पता लग जाती है ना कि सामने वाला पर्सन कैसा है. गलत इंटेंशन वाला ही लग रहा था. एंड जैसे और बात मेरे को तो सच में तूने जैसे बोला सच में ये रोलर कोस्टर जैसा ही था. पता ही नहीं चला स्टार्टिंग में जब उनको बोला कि आपका घर खाली करता, मेरे को डर लग रहा था कि इनको झूठे वादे करके फिर क्या पता इनको होमलेस कर दें ये लोग. फिर नहीं चलो फिर घर भी पर सामने फिर यू नो अच्छे नेबर्स होना इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली. एंड बिकॉज़ बोलते हैं ना You can choose everything but you cannot choose your neighbors. Because ठीक है family काम आते हैं रिश्तेदार काम आते हैं but neighbors का भी बहुत बड़ा role होता है my life. सही बात है because वो आपको मिल ही जाते हैं और वो change भी हो जाते हैं तो वो अपने हिसाब से होते हैं. आप change नहीं करते उसमें कुछ भी. तो ये है और ऊपर से बाकी इनके जो पूरा तरीका है काम करने का वो इनका यही है कि लाइक एक बहुत एक हम्बल पूरी वो मूवी है इसमें कैसे कि लाइक कैसे झुग्गी झोपड़ी में कैसे लोग काम करते हैं कैसे रहते हैं फिर उनको कैसे नेक्स्ट डे ही उनको उठा के सब अलग करवा सकते हैं उनकी लाइफ से. हम कैसे अपने घर से कोई हमें उठा रहे हैं तो बोले लग जाते हैं भाई क्या कैसा. बिकॉज़ वो क्या ऐसे रहते हैं ना तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़े लोग हैं तो हम कैसे लड़ सकते हैं उनके साथ. और हमें कहीं ना कहीं होता है कि क्या क्योंकि हम वी आर लाइक एजुकेशन बोलता है ना इम्पोर्टेंट है ये चीजें. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट एजुकेटेड बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से ना डरे हुए रहते हैं कि नहीं हमको दबके ही चलना है. एंड इवन इतने टैलेंटेड होने के बाद भी लाइक वो इतने अच्छे कार्टूनिस्ट है लेकिन वो अपने कार्टून सेल खुद भी नहीं करते अपने नाम से वो किसी और के नाम से जाता है. तो हाँ जी भी बात है. तो आप लोगों को कैसा लगा ये इंट्रो सीन आप मेरे को जरूर बताएगा. तो ऐसे लाइक करते जाए कमेंट करते जाए शेयर करते सब्सक्राइब करिए. बाय.